On your left. Is that everyone? What, you wanted more? Avengers! Okay, one more ride just started. We are getting out of the office and today it's gonna be hell, lot of a long ride because I'm going through the Andheri. It's gonna be a long journey. It's a 5 p.m. and then it's a peak time for traffic because usually 5 p.m. people start to rush towards the home and then, like I say every day, I am the traffic. I am the one who's creating the traffic. I could have stayed at home and then did the work from home. There won't be any traffic, but what to say, there are rules coming on very soon where work from home will be ended pretty sooner and then you have to start work from the office. So we are just making ourselves habitual of getting to the office. जागे जागे रहते थे, खोए खोए रहते थे, करते थे प्यार की बातें, कभी तन्हाई में कभी पुरवाई में होती थी रोज मुलाकातें। कितने मेरे करीब था, मैं तो तेरा नसीब था, तूने ही जीवन मिलाया था मेरे सवेरा। क्या तुम्हें याद है, हाँ मुझे याद है, सिग्नल्स की कोई कमी नहीं है मुंबई में, आपको हर जगह सिग्नल मिल जाएगा। वी डोंट वॉन्ट टू गो टू द लेफ्ट, हमको सीधा जाना है, सो आई थिंक वी गॉट टू वेट। एंड यस, आई विल वेट। ओह, मुंबई विद्यापीठ, लवली यार, मैंने ये पहले कभी नहीं देखा था। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, I don't know my camera is capturing it or not. It's a gate number 1 for the Mumbai University. Cool. चलो कुछ तो नया देखने को मिला। See you Mumbai University. आएंगे हम यहाँ पे भी, कभी ना कभी आएंगे।
अबे यार कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला, कोई ना कोई चाहिए हम पे मरने वाला, ऊंची ऊंची दीवारों पे इस दुनिया की रस्में, ना कुछ तेरे बस में जूली, ना कुछ मेरे बस में। बड़ा ग्रीनरी गाइस, दिल क्या करे क्या किसी को किसी से प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी से किसी को प्यार हो जाए। So on 450 meters we got to take a right turn which is on highway, and from there we will be heading towards the Andheri. There are a lot of new construction. Oh, that's not a new, I think kuch pada hua hai aise hi. Pata nahi yaar, maine Mumbai mein aise bahut sare building dekhi hai jinka construction aadha adhura hai aur bhai wo aadha adhura hi rehta hai. तो लीगल मैटर में अटकता है, किसी और मैटर में अटकता है, कोई आइडिया नहीं है, बट ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग्स देखी है। और एक बात का बुरा भी लगता है यार, मतलब जो लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, अगर कोई इन्वेस्ट करता है, आई डोंट नो यार उनके पैसों का क्या होता है, क्योंकि घर लेना हर एक का सपना होता है, और भाई वो सपना सच होने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता। एंड देन अगर कोई लीगल एस्पेक्ट और मतलब कुछ भी हो गया यार, आई मीन दैट कैन बी एनी इश्यूज, दैट कैन बी लीगल, दैट कैन बी लोकल पॉलिटिकल इशू, दैट कैन बी एनी इशू, आई मीन कुछ भी, अगर उसके कारण वो बिल्डिंग का काम रुक जाता है तो इट्स अ रियली पेन। एंड भाई वो इतना बड़ा पेन होता है कि एक कॉमन मैन के लिए उसका पूरा ड्रीम, इट्स अ काइंड ऑफ अ ड्रीम डिस्ट्रॉयर यू कैन से। तो ड्रीम डिस्ट्रॉय होना बहुत बहुत ही बुरी बात होती है। ये जो थोड़े से है पैसे खर्च तुम पर करूं कैसे, ज़्यादा आगे नहीं जा सकते क्योंकि वो लेन पूरा ब्लॉक हो जाएगा, एंड मुझे उस सिचुएशन में जाना नहीं है। चले निकल जाते हैं यार, क्यों रुकना है। एनीवेज हमको राइट ही तो जाना है। सॉरी गाइस इफ यू फील लाइक आई एम ब्रेकिंग दैट सिग्नल, बट मुझे भी थोड़ा दर्द हुआ, बट वहाँ पे पूरा फ्लो जा रहा था और वहाँ पे कोई, आई मीन मुझे कोई रोड क्रॉस तो करना नहीं था, आई गॉट टू गो विद द फ्लो, आई जस्ट क्रॉस इट। ये बड़ी अच्छी बात कही आप भाई। जीपीएस देखो पूरा 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 ऐसा दिखा रहा है कि कुछ ट्रैफिक नहीं, और यहाँ सामने हालत देखो। अरे जीपीएस कितना झूठ बोलेगा बे, कुछ तो शर्म कर। Why am I so happy today? Am I sound happy? I mean, yeah, I am happy though, but okay. हो चुकी है भाई तुम्हारी शादी 2009 में, भूल गया लगता है। हाँ यार, ह्यूमन नेचर गाइस, ह्यूमन नेचर, वी ऑलवेज टेंड टू फॉरगॉट द थिंग्स, बट अगेन जब शादी की सालगिरह आती है तो सारी चीज़ें एक झटके में याद आ जाती है, तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन।
आई होप वी वोंट बी गेटिंग एनी नॉइज बिकॉज देर आर टू रिकॉर्डिंग्स गोइंग ऑन. वन इज विथ माई फोन ऑडियो रिकॉर्डिंग, अदर वन इज विथ द कैमरा माइक विच इज एन टट्टी माइक जो कि बिल्कुल भी नॉइज सप्रेशन नहीं कर रहा है. इट इज़ रिकॉर्डिंग एवरीथिंग एज इज, जिसमें पूरी तरह से आवाज़ वगैरह सारी फट जा रही है और भाई उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. तो आई एम गोना ऑर्डर अ न्यू माइक, आई डोंट नो व्हेन बट वेरी सून. एंड वंस वी हैव द न्यू माइक देन आई होप यू विल बी एबल टू रिकॉर्ड एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली. भाई सोनी के सिंबल पे स्टॉप लिखा है, क्यों क्या किया भाई सोनी ने तुम्हारे साथ? सोनी स्टॉप, हाय दिस रिक्शा वाला, इनोवेटिव आइडियाज, लवली. If you wanted to be happy in your marriage life, you can put me a comment or your questions. I'll answer it. How you can be happy? Because a lot of people say happy marriage is a myth, but no, it's not. Happy marriage is not a myth, it's a real and reality. There are few adjustments you have to do. But again, those adjustment is not going to compromise your thing. I mean, आपका जो भी नेचर है या फिर आपकी जो भी सारी थॉट प्रोसेस है वो नहीं होता उससे आपका कुछ भी कॉम्प्रोमाइज. बस कुछ चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती है. तो वो चीज़ें क्या एडजस्ट करनी है, कैसे करनी है, अगर किसी को जानना है तो कमेंट में लिखो, मैं आपको बता दूंगा. बट हैप्पी मैरिज इज़ अ रियलिटी, यू कैन हैव एन हैप्पी मैरिज लाइफ. फिलहाल तो ब्रेक लेने का कोई मन है नहीं. सो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द अंधेरी टुवर्ड्स द ऐरोली गाइस. अरे बाप रे, इस खड्डे की तो क्या ही खड्डा था यार, मतलब क्या कर रहे यार, इतने बड़े बड़े खड्डे कैसे है? क्या हुआ रिक्शा वाले को? चले जाते बेटा सीधा, घुस गए तो. भाई मुझे डर लगता है क्योंकि मेरे जो टायर्स हैं वो ऑफ रोड के टायर्स हैं एंड अगर मैं हाईवे पे थोड़ा भी ज़्यादा एक्सेलरेट करता हूँ तो स्किड कर जाते हैं, क्योंकि उसमें एबीएस तो है नहीं, तो टायर लॉक हो जाते हैं, थोड़ा सा डर लगा रहता है. तो लेट्स बी कॉशियस. ये रहते हैं गधे इस तरह के, लेफ्ट के लेन में डालेंगे, राइट को टर्न करेंगे. भाई ऑसम, बड़ी ऑसम, तुमको तो ऑस्कर पुरस्कार कहीं और पे देना चाहिए. समझ में नहीं आता यार इनका प्रॉब्लम क्या होता है. मतलब राइट लेन इज देयर जहाँ पे तुम रह के राइट में टर्न कर सकते हो, बट नहीं, तुमको लेफ्ट आना है और ऑल ऑफ अ सडन तुमको राइट का इंडिकेटर देके पूरा पीछे का ट्रैफिक जाम करके राइट में जाना है. सेकंड लव महिंद्रा KUV, मेरे पास भी महिंद्रा KUV है, स्टिल आई एम ओनिंग इट. इट्स अ नाइस कम्फी सुपर एंड द साइलेंट राइड एवर. मेरे पे पेट्रोल थी और टॉप मॉडल K8. इट्स नॉट अ थी यार, एक्चुअली इट्स है, इट्स रियली गुड कार, इट्स रियली गुड कार. माय फर्स्ट कार वाज नैनो, टाटा नैनो, बिकॉज वो टाइम पे मैं बहुत गरीब था, मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे और हम ऐसे ही किसी बाइक राइड पे भीग गए थे. तो उसका हमको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि यार हम एक फोर व्हीलर अफोर्ड नहीं कर सकते, और तब जाके हम लोगों ने टाटा नैनो ली थी.
अच्छा ही है। और वी हैव अ लॉन्ग ट्रैफिक, भाई बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं दिख रही है, कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग है यार, कुछ कर सकते हैं उसका। किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। गिव मी सम फ्री रोड, गिव मी सम शाइन, इट्स नॉट अ सनशाइन, इट्स अ सनशाइन। गिव मी अनदर चांस वना रन माई बाइक अगेन इनसाइड द सिटी, इनसाइड दोज स्मॉल रोड्स। आई डोंट नो हाउ दे आर कीपिंग देयर पेस बिकॉज ट्रैफिक एंड ड्राइविंग थ्रू दिस काइंड ऑफ रोड एंड इफ यू आर इन द फोर व्हीलर देन यू आर डेड बिकॉज द काइंड ऑफ अ टाइम एंड द काइंड ऑफ patience you need on this road is a huge, I mean you need a huge patience to drive on this kind of a roads. So my request, be patient. Mode, मैं thinking mode में घुस गया था जिसकी वजह से मैं silent हो गया। भाई इतना सन्नाटा नहीं होना चाहिए यार। भाई पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था बहुत ही क्लियरली और precisely, अपने आप से बात करना बहुत बड़ी बात होता है। यू शुड बी फ्रेंड ऑफ़ योर सेल्फ। इफ़ यू आर फ्रेंड ऑफ़ योर सेल्फ एंड इफ़ यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ टू योर सेल्फ देन यू कैन एक्सप्रेस टू एनीवन। एंड इन दैट केस नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, ओह लुक एट द व्यू, पवेलियन इट इज़ इट, yes it is a Powai Lake I think, oh god damn it that's really nice। भाई यहाँ पे आके बैठने का मज़ा ही कुछ और होता होगा, बट वही है कि मच्छर वच्छर ना काटते हो यार। अगर मच्छर ने काटा तो देन भाई डेंगू तो फिक्स है, कम से कम डेंगू तो फिक्स है। Isn't it green? ये देखो भाई डोर पे खड़ा है फिर भी इसको फ़ोन पे बात करनी। भाई इनको कब अकल आएगी यार, तुम दरवाजे पे खड़े हो वो भी लटके हुए हो और तुमको फ़ोन पे बात करनी है। इतना भी समझ में नहीं आता कि भाई यू आर रिस्किंग योर लाइफ जस्ट फॉर एन ब्लडी फ़ोन कॉल जो कि तुम्हारे आई डोंट नो इतना वर्थ भी है क्या नहीं है। सो हुमेवर ही इज़ टॉकिंग टू, भाई कुछ तो अपनी लाइफ की कीमत करो यार, कुछ तो अपनी लाइफ को वैल्यू दो। क्या ही होगा यार उस फोन कॉल में, क्या ही होगा। रिस्क है तो इश्क है। मान लो लड़की के साथ भी बात कर रहा है, गर्लफ्रेंड के साथ भी बात कर रहा है, तो यार उसको भी बोल सकता है ना कि भाई मैं एक हाथ से लटका हुआ हूँ। एंड देन अगर तुम फ़ोन पे ऐसे ही जारी रखोगी तो एनीवेज यार आई डोंट नो यार, आई मीन आई डोंट वांट टू रोस्ट समवन बट ही इज़ अ फूल। ऐसे भी यू कैन नॉट कैच मी, ओ दिस फील्स सो गुड यार, मेरे पूरा पसीना हो गया था अंदर से। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के। सब सब कर सारा कर सारा कर सारा कर व्हाटएवर।